उज्जैन में अब तक कोरोना संक्रमण के 16 मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आज एक राहत भरी खबर शहरवासियों के लिए आई है, जहां कोरोना संक्रमित 3 लोग कोरोना से जंग लड़कर ठीक भी हुए और अपने घर की ओर रवाना हुए। इन 3 मरीजों का उपचार उज्जैन के आड़ीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में जारी था, जहाँ 14 दिन तक चले इलाज के बाद 3 सदस्य पूरी तरह ठीक होकर अपने घरों पर पहुंचे। घर जाने से पूर्व मेडिकल कॉलेज के स्टाफ सहित जिला कलेक्टर ने स्वस्थ हुए लोगों को फूल देकर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, हौसला अफजाई भी की। उक्त 3 सदस्य मृतका राबिया बी के परिवार जन के थे। हाल फिलहाल सभी सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन में रहने का सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। माशाल्लाह सीधे कलेक्टर साहब बहुत खुश हैं कि आप लोग आज ठीक होकर जा रहे हैं। अभी आपको 14 दिन और छुट्टी बना के रखनी है। निकाल निकालना फोटो खींचो, इंतजार करता है। 14 दिन बाद एकदम सही हो जाएगा, फिर आप आराम से घूमना, ठीक है? अच्छे से रहो, ठीक है, खुश रहो। घर में सबको समझाना और अपने मोहल्ले में बताना, बाहर निकल के नहीं, अपने गेट से ही, अपने दरवाजे से, ठीक है? कि हमको दूरी बना के रखनी है। हम इसलिए आज स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं क्योंकि हम दूरी बना के रहे यहाँ पर, ठीक है ना? यही समझाना सबको, ठीक है? चलो बधाई, ठीक होकर जा रहे हो तो इनको छुड़वाना, मोहल्ले को बताना कि जरूरी नहीं कि कोरोना होने से। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। ओके, बहुत बेस्ट, अच्छा अच्छा, हर चीज़ बेस्ट, अच्छी से अच्छी मिली है। अब लोगों को क्या संदेश दोगे भैया? हम लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि घर दूरी बनाए रखिए, घर के अंदर रहें। 16-17 दिन होगा। अच्छा, कैसा लग रहा है आप जा रहे हैं तो आज लौट के? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस यही चाहते हैं, यहाँ मेडिकल वालों ने अच्छे हमारे देख रेख करी है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब अच्छे से दिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है अल्शिफा अंसारी। मैं कलेक्टर्स, डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे को, तो उन्होंने 14 दिन हमारे बहुत अच्छे फैमिली की तरह ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरह। बैठिया बैठिया, बहुत अच्छा।